धरती का स्वर्ग कहने वाला कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, उतना ही अपने विवादों के लिए भी प्रचलित है। कश्मीर सुनते ही हम लोगों के आंखों के सामने हजार दृश्य नजर आते हैं, और कश्मीर के बेस पर ही एक मूवी आई है जिसका नाम है हुक्कस बुक्कस। बहुत अजीब नाम है, लेकिन आप स्टोरी सुनिएगा तो आप लोगों को ये नाम भी अजीब नहीं लगेगा। इस फिल्म में आज के कश्मीर के माहौल के अनुसार पिता और पुत्र के रिश्ते के बारे में हम लोगों को इस फिल्म में दिखाया गया है। साथ ही साथ इस फिल्म में हम लोगों को क्रिकेट और धर्म को दोनों को कनेक्ट किया हुआ है, और इस फिल्म में इन दोनों को मिलाकर बहुत ही अच्छा मैसेज पेश किया हुआ है। दरअसल फिल्म की कहानी यह है कि कश्मीर में जो सेक्शन 370 है वो हटने के बाद कश्मीर का माहौल कैसा है, जिस तरह से दुनिया में बताया गया है कि 370 हटाने के बाद कश्मीर कैसे लौट आया है, उस बात पर कितनी सच्चाई है। जिन बच्चों के हाथ में पहले बंदूकें थी उनके हाथ में अब बल्ला आ चुका है, और एक नए कश्मीर का निर्माण हो रहा है। इस फिल्म के द्वारा हम लोगों को ये भी बताया गया है कि पिता जो है अपने पुत्र के बारे में कभी बुरा नहीं सोचते हैं। इस फिल्म में अरुण गोविल ने कश्मीर पंडित का रोल निभाया हुआ है। एक पिता के रोल में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है। अरुण गोविल ने अपने किरदार को बहुत ही खूबसूरती तरीके से पेश किया हुआ है। अगर आप लोग स्टार्टिंग से मूवी देखेंगे तो आप लोगों को जूनियर सचिन की कहानी याद आ जाएगी, जहां पर अर्जुन जो है वो अपने क्रिकेट का पैशन फॉलो करता है और उसके पिता ये नहीं चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो आप लोगों को कश्मीरी पंडित के ऊपर पूरी फिल्म डाइवर्ट होती हुई नजर आती है। यहां पर आप लोगों को जेंडर इक्वालिटी जैसे मुद्दे भी देखने को मिलने वाला है, जहां पर एक गर्ल्स टीम भी बनाई जाती है क्रिकेट में। दर्शील सफारी की एक्टिंग की बात करें तो उनकी एक्टिंग भी यहाँ पर अच्छी है, लेकिन थोड़ा बहुत सुधारा हो सकता था। यहाँ पर स्टोरी जो है वो अच्छे पेस पे चलती है, एकदम फास्ट भी नहीं होती है और एकदम स्लो भी नहीं होती है। यहाँ पर वर्ल्ड कप में 1983 में जो भी दिक्कतें आई थी वो भी इंडियन क्रिकेट द्वारा इस फिल्म में हम लोगों को दिखाया गया है। यहाँ पर कुछ सीक्वेंसेस आप लोगों को ओवर ड्रामेटिक लगेंगे और थोड़ा बहुत नैरेटिव आप लोगों को लगेगा कि भाई क्या बताया गया है। यहाँ पर आप लोगों को क्रिकेट मैच भी देखने को मिलेगी, जो कि आप लोगों के लिए मास एंटरटेनर हो सकता है, लेकिन क्रिकेट मैच जो है वो बहुत ही कम समय के लिए है, बाकी तो वाद विवाद में ही पूरी फिल्म निकल जाती है। फिल्म तो वैसे सचिन तेंदुलकर के डाई हार्ड फैन की है, लेकिन कभी कश्मीरी पंडित के ऊपर हो जाती है ये आप लोगों को पता नहीं चलता है। ओवरऑल इस फिल्म को मैं देना चाहूंगा 5 में से 2.5 स्टार। तो चलो ये रहे थे मेरा आज का रिव्यू हुक्कस हुक्कस मूवी के ऊपर, जो कि अभी स्ट्रीम कर रही है आपके थिएटर्स में। क्या आप लोग ये मूवी देखेंगे या फिर ओटीटी का इंतजार करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।